अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू तैमूर व्लॉग। आज का व्लॉग जो है वो ये मेरा एयर फ्रायर है जिसको मैं अनबॉक्सिंग करूँगा और आप सबके साथ शेयर करूँगा। तो चलें देखते हैं कि ये जो एयर फ्रायर है ये हायर का मैंने एक ऑर्डर किया था Daraz.com से कुछ दिन पहले, तो ये तब से उसी तरह से पड़ा हुआ है और मैंने इसको ओपन नहीं किया। मैं कहा चलो इस पे वीडियो एक बना लेता हूँ ताकि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको भी पता चले कि ये एयर फ्रायर कैसा है और एयर फ्रायर को लेना। और आजकल क्योंकि बहुत ऑयली और अनहेल्दी फूड होता जा रहा है तो मैंने सोचा कि चलो क्यों भाई एयर फ्रायर एक ले लें ताकि थोड़ा सा ना हेल्दी फूड जो है वो इन्जॉय कर सकें और फ्राइड फूड को थोड़ा सा ना छोड़ दें क्योंकि वो अनहेल्दी होता है। तो ठीक है, आज का ब्लॉग करते हैं शुरू और इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग के लिए मैंने ना एक ये मंगवाया है, ये भी साथ ही आया है, तो इसको देखता हूँ मैं कि अनबॉक्सिंग करके। तो ये बड़ा मज़ा आने वाला है, इसके अंदर जो मज़े की डिशेस बनाऊँगा यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ें तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो ठीक है, ये हम इसको देखते हैं और इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले इसको देखते हैं उन क्या लिखा हुआ है, इसके ऊपर ऑर्डर नंबर है और इसके साथ ये है, ये एक उन्होंने क्लिंच क्लिंच ऊपर किया हुआ है। वाओ, इसको प्रॉपर यहाँ तक कट आउट करना पड़ेगा। ये पैकिंग उन्होंने कमाल की हुई है इसके साथ। वाओ, वाओ, दिस इज एयर फ्रायर। ये मैंने खोल लिया जनाब, ये कोई इसके मैनुअल्स वगैरह हैं, मैनुअल्स हैं इसमें। उन्होंने बताया हुआ है कि इसकी एक साल की वारंटी है, वारंटी कार्ड है और इसमें और बस ये मैनुअल है। एक अच्छी पैकिंग के अंदर आया, सेफ एंड साउंड बिल्कुल, किस तरह से रखा हुआ है। अच्छा, ये यूं ले जी गाइस, मैंने एयर फ्रायर को अनबॉक्स कर लिया। इसमें ये इसका कंटेनर है, 4 लीटर का कंटेनर है इसके अंदर। इसको लॉक लगाया हुआ है उन्होंने, इसको कैसे ओपन करना है। अच्छा जी, ये इसका कंटेनर है, ये 4 लीटर का कंटेनर है। इसमें ये इसके वो है, यहाँ पर ऑन होता है, यहाँ पर ये इसका टेम्परेचर सेट होता है, ठीक है जी। और ये जो है ना ये टाइमर है इसका, ठीक हो गया। इसको अभी बंद रहने दें। इसमें हम केक, मीट, ब्रेड, चिकन, चिप्स और स्टेक इसमें हम बना सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं। ये कंटेनर के साथ ये मेरे ख्याल में एक दिया हुआ है। तो इस कंटेनर को यूज़ करने से पहले ना लाजमी तौर पे वॉश कर लें क्योंकि इससे अंदर ना हो सकता है ये मैन्युफैक्चर होके आया है, ठीक है, लेकिन इसको जो है ना एक बार साफ़ कर लें। ये यहाँ पर इन्होंने लगाए हुए हैं तो मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ, ये बिल्कुल ये सारा वॉशेबल है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, ये जस्ट इसका ये है, एक लॉक है, तो ये लॉक के थ्रू लॉक होता है। तो इसको एक बार आप वॉश करें तो ये इसका सॉकेट है जो कि नॉर्मल पाकिस्तानी जो अप्लाइंसेस हैं उन सब उनके अंदर ये वाला ही पिन आ रही है आजकल। तो ये इसकी वायर भी देखते हैं कि इसकी वायर जो है वो काफ़ी ठीक, अच्छी
जो है वो वायर फील हो रही है मुझको, अच्छी वायर है जो ये इसकी मुझे फील हो रही है। तो ये सब चीज़ें हैं इसके साथ। ले जी, ये हमारा एयर फ्रायर था जो कि हमने इसको देखा, इसको इस तरह से ओपन करेंगे और ऐसे लॉक हो जाएगा, ऐसे ओपन हो जाएगा, इट्स ईजी टू यूज़। तो इसमें अभी सबसे पहले हम जो है वो फ्राइज बना सकते हैं। तो जी गाइस, ये मेरा एयर फ्रायर था, इसको मैंने अनबॉक्स किया है। अब इसके अंदर मैं एक मज़े के फ्राइज़ बनाऊंगा और हाँ, इसमें स्टेक भी, वो चिकन भी बन सकता है, फ्राई हो सकता है। तो इंशाल्लाह आज ही वो इसको ट्राई करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आप ये व्लॉग मेरा ज़रूर देखते रहिएगा और तब तक के लिए मुझे दें, अपने भाई को दें इजाज़त और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।